हाँ अभी हम ग्रुप में हैं इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं कम में नहीं चलेगा, बात कीजिए काउंटर पर। देखिए कमल का फूल इसमें उगाए हैं। ये मॉनेस्ट्री हो गया, इधर चेत हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय का जो सबसे मेन पार्ट है वो ये 2500 वर्ष पुराना है। विश्वविद्यालय बनने से 1000 वर्ष पहले बन चुका था। अच्छा। चीन से आने वाला पहला चाइनीज, क्या चीज है बतला रहे हैं, चीन से आने वाला पहला चाइनीज जिसका नाम था फाहयान। जब फाहयान आया उसी ने लिखा कि जब मैं नालंदा आया तो सारी पुत्र स्तूप के सिवा कुछ नहीं देखा, इसका नाम है सारी पुत्र। आज बौद्ध धर्म वालों के लिए सबसे होलीस्ट पार्ट है, वो आएंगे इसी जगह बैठेंगे पूजा करेंगे ध्यान। सारी पुत्र लॉर्ड बुद्ध के सबसे पहला नालंदा से रिलेटेड शिष्य, उनका जन्म और निर्वाण मृत्यु वही हुई। अच्छा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम आपको एक मोनास्ट्री पर खुद देखने में कितना अलग है, हम लोग फोटो में तो खूब कम ही देखते हैं ना, खुद आना आके देखने में बहुत अंतर है। हर एक चीज बाप रे विशाल, अपने सेफ्टी के लिए। ये अंदर की ओर है तो ये जो है सबसे पहला एक्सक्यूवेटेड साइट है, मोनास्ट्री नंबर 1 जो अभी 11 मिला है। तो सभी सिमिलर ऐसे हैं जो हम लोग चल रहे हैं देखें। प्रत्येक जगह आर्कियोलॉजी आपको तीनों राजाओं को साथ लिए चल रहा है, जैसे जहां भी आप डाउन देखिए उसको कुमारगुप्त पहला राजा से जोड़ेंगे, हम लोग हर्षवर्धन में है दूसरे वाले में, और इसके ऊपर तीसरा देवपाल का जो डैमेज है। तो मोनास्ट्री का एक गेट हो गया, ये टूटे हुए पत्थर का मतलब पिलर यानी इसके ऊपर छत हो गया। स्टूडेंट जैसे ही अंदर आए, ये दोनों तरफ जो बड़े बड़े आले बने हैं इसमें बुद्ध के मूर्ति होते थे। सबसे पहले विस्किया बुद्धम शरणम गच्छामि का उच्चारण करते हुए ये लोग अपने अपने क्लास और हॉस्टल में जाते थे। अब चलें देखते हैं इनका क्लासरूम। तो 6 महीने के आग में सिर्फ किताबें और जो लकड़ी का काम था वही नहीं जले थे बल्कि ईंटे भी जला था। ये देखते कहीं कहीं मेल्टेड पार्ट है या तो ब्रिक्स मेल्ट हुआ है, नहीं तो जो मटेरियल यूज किया ईंटे की जुड़ाई के लिए उसका देखिए कैंडल जैसा पिघल कर गिरा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बैडली इसको डिस्ट्रॉय आग लगी है। कुछ कुछ डाल के आग लगा दिया नहीं, बख्तियार खिलजी तो जान बुझ कर अपने धर्म को अपने मजबूती को बढ़ाने इसको तोड़ने का काम किया। भारत के कल्चर माने इंडिया के कल्चर को डिस्ट्रॉय सबसे पहले करना इस टाइप का ही बनाते थे ये जो नहीं, है ना जो है ना कवर्ड मटेरियल बाद में मतलब प्रत्येक दूसरे तीसरे जो राजा होते थे तो पूर्व के कंस्ट्रक्शन को ढकने के लिए ऐसे मटेरियल का यूज करते थे। हाँ। पूरा एरिया ऐसे ही फिल था खुदाई करके निकाला है। हाँ। और इस हिस्से को हम लोगों को इजीली समझने के लिए छोड़ रखा है, अगर इसको हटाया जाए तो बरांडा का पोर्शन भी इधर भी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम लोग ये मोनास्ट्री के बरांडा से निकल रहे हैं। बहुत ऊंचा है ना, चारों तरफ कमरे हो जाएंगे उनके रहने का, एक एक रूम एक एक गीजर। ये ड्रेनेज सिस्टम हर्षवर्धन के पीरियड का बना, लेकिन इतिहास लिखा है जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता उसी तरह से नालंदा का ड्रेनेज अपने आप में काफी मिलता है। बारिश कितनों भी होगा पानी का स्टोरेज कहीं नहीं निकल जाता है, फ्लो आउट ऑफ बाउंड भी काफी तेजी से होता है। ये है इसकी ये रूम है ना। हाँ, तो इस रूम का यूज वो लोग पानी निकालने के लिए करते थे। हाँ। रहने का कमरा यहाँ से शुरू होता। अच्छा, स्टूडेंट यहाँ से रहना शुरू कर दी। रूम के बारे में भी हुएनसांग लिखा था कि उस समय रूम का जो टेम्परेचर होता था बिल्कुल मॉडरेट, मतलब नेचुरल एयर कंडीशन। हाँ। गर्मी में ना ज्यादा गर्मी, ठंडे में ना ज्यादा ठंडा। दीवार की मोटाई के कारण प्रत्येक दीवार की मोटाई चारों तरफ से 6 फीट बहुत मोटा है। ये सभी दरवाजे पे लकड़ी का गेट होता था, मोटे मोटे किवाड़। अच्छा अच्छा, लॉक करने के लिए कुंडी भी है। और ये जो वाले बने हैं यहाँ पे वो लोग मसाल रखते थे लाइट के लिए। अच्छा। रात में लाइट वो लोग मसाल से करते थे। अच्छा, कितना गड्ढा है कुछ समय के पानी के लिए वहाँ से पानी निकल जाता है। बहुत ऊंचा बहुत ऊंचा है। आ जा चल, रूम छोटा छोटा था, छोटा छोटा था, सुंदर साफ सफाई करके रखे हैं। छोटा ही है, तुम्हारा आईआईटी में भी तो तुम्हारा रूम छोटा था, ऐसा ही है। इतना अंदर इतना कुछ है। देखिएगा ये बाद का सपोर्ट है आर्कियोलॉजी। हाँ, बाद का। हाँ, हाँ। तो कह सकते हैं ये स्टूडेंट को रहने के लिए सफिशिएंट है, बहुत है, उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो रही। उनके पास ज्यादा लगेज भी नहीं है, बस 2-3 कपड़े हैं रखने, और कपड़े में क्या वो चीवर पहनते थे उस समय। बहुत ऊंचा, बहुत सुंदर थे।
बढ़िया थे। कहाँ का स्कूल है? सुंदर। कहाँ से आए आपने? आज कहाँ से? दोनों स्कूल से आए। प्लस टू विद्यालय सेंट्रल। सेंट्रल से आए। एक जगह तुम लोग बैठ जाना हमारे। बहुत सुंदर ना रूम गुड़ा को। खिड़की नहीं। किंतु छत तो एक तो ऊपर तो खुला जे। ऊपर तो खुला वर्तमान से तो बड़े कौन किसी थी ला। ऊपर है। इतने गुड़ा रूम। बहुत पीला खेले ना। वहाँ पर हमें तो गुम हो जाएंगे हम लोग तो कहाँ कहाँ रास्ता। एक एक जगह पे एक एक मत